हेलो दोस्तों, ऑयल स्टॉक्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल फोकस में रह सकते हैं। यहां पर क्या लेटेस्ट हो रहा है, पॉजिटिव कुछ संकेत मिल रहे हैं, उसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, क्वार्टर वन में तीनों ने ही लॉस किया है, तीनों ही प्रेशर में थे। इंटरनेशनल तेल के जो भाव थे 100-120 डॉलर तक पहुंच गए थे, तो सबको नुकसान हुआ मार्केटिंग का। लेकिन अभी एक ट्रेंड आ रहा है कि क्रूड के प्राइसेस जो है इंटरनेशनल लेवल पर अभी कम होना शुरू हुए हैं, तो इसके कारण से जो इनके जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं, जहां लॉस कर रहे थे, तो वो लॉस जो है वो कम होना यहां पर शुरू हो गए हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव न्यूज नहीं है। साथ ही साथ कुछ मीडिया आउटलेट्स में ये खबर आ रही है, फ्यूचर में अगले 10 दिन में कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे देखने के लिए, कि गवर्नमेंट 20,000 करोड़ की लाइफलाइन दे सकती है। मतलब चूंकि तीनों ने ही लॉस किए हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए तीनों ही कंपनियों के मैं जो रिजल्ट्स हैं क्वार्टर वन के आपके सामने मैं लेकर आया हूं। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, आप क्वार्टर वन अभी आप देखेंगे, क्वार्टर वन में 7 नंबर में आप ध्यान रखिए, 10,196 करोड़ का उन्होंने नुकसान किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अब मैं भारत पेट्रोलियम का डेटा आपके सामने लाऊंगा, आप देख सकते हैं रेवेन्यू इनकम जो है वो ज्यादा हुई है, 1.38 लाख करोड़ की हुई है, जो कि पिछली बार 90,000 करोड़ की रेवेन्यू थी। लेकिन आप जब प्रॉफिट्स के नंबर देखेंगे शॉक्ड हो जाएंगे, पिछली बार 3,200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था और इस बार देखिए 6,290 करोड़ का लॉस है। तो HPCL, BPCL ने नुकसान किया, ये इंडियन ऑयल का रिजल्ट्स है। इंडियन ऑयल का भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे कि इनकम उनकी ज्यादा हुई है, लेकिन पिछली बार देखिए लगभग 6,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था और इस बार 2,000 करोड़ के आसपास नुकसान किया है। तो तीनों ही कंपनियों ने नुकसान किया है, और वो क्यों किया है, क्योंकि तेल के जो भाव है पूरी दुनिया में बढ़े थे लेकिन इंडिया में नहीं बढ़े, तो उनको नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट मिल सकता है। ऑयल मिनिस्ट्री ने 28,000 करोड़ के आसपास का कंपनसेशन की डिमांड की है, लेकिन 20,000 करोड़ के आसपास मिल सकता है, लेकिन फाइनल फिगर हमको नहीं पता है। ये मीडिया आउटलेट्स जो है वहां पर ये सब जो है खबरें अभी आ रही है, इसीलिए अगले कुछ दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर कुछ यहां पर कुछ कंफर्मेशन आता है तो बहुत बड़ा यहां पर पॉजिटिव हो सकता है तीनों स्टॉक्स के लिए, एक तरीके से जो उनके नुकसान है, क्योंकि तीनों ने अगर आप देखेंगे डिविडेंड बहुत अच्छा दिया था पिछले कुछ सालों से, लेकिन इस बार डिविडेंड तो दूर की बात है, इस बार प्रॉफिट्स ही नहीं कर पा रहे। तो एटलीस्ट कुछ हद तक उनकी जो बैलेंस शीट है, उनके जो रिजल्ट्स हैं, वो सुधरने की उम्मीद है गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण। तो यहां पर ये एक बहुत ही की इवेंट होगी अगले कुछ दिनों में देखने के लिए। गवर्नमेंट ने ऑयल सब्सिडी 5,800 करोड़ ईयर मार्क की हुई है, लेकिन और ज्यादा यहां पर सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकता है। ऑयल की जब हम बात करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ऑयल को आयात करते हैं, मतलब ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, 85% ये यहीं से इंपोर्ट होता है, और ये तीन कंपनियां मार्केट करती है। क्योंकि इंडियन मार्केट में प्राइस नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इनको डायरेक्ट नुकसान हो रहा था। तो अगले कुछ दिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट खबर है जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि डिविडेंड के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है, तो डिविडेंड तो इस साल बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट कंपनियां प्रॉफिट में आए तो भी पॉजिटिव हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो छोटा सा वीडियो था, इस पर हमारी नजर रहेगी, न्यूज आती रहेगी, डिटेल्स आती रहेगी, हम आपके साथ अर्ली फाइनेंशियल आजादी में शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।